हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं स्टफ ब्रेड रोल बनाने की आसान सी रेसिपी, और इसे हम बनाएंगे बिना डीप फ्राई की। तो चलिए देखते हैं बिना डीप फ्राई के स्टफ ब्रेड रोल किस तरह से बनाने हैं और इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। इसके लिए हमें चाहिए आलू। यहाँ पर मैंने 7 पीस मीडियम साइज़ आलू लिए हैं, जिन्हें उबाल लिया है और ठंडा कर लिया है। कुछ ब्रेड के पीस, बारीक कटा हरा धनिया, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कद्दूकस किया हुआ अदरक और नमक। तो चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे है। ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे आलू कद्दूकस हो गए हैं। आप चाहें तो इन्हें अच्छे से मैश भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया, बारीक कटी हरी मिर्च 1 छोटा चम्मच, आप अपने हिसाब से तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कद्दूकस किया हुआ अदरक। आप चाहें तो अदरक को छोटे टुकड़ों में काट भी सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे नमक आपके टेस्ट के हिसाब से। और अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आलूओं में हमने अपने सब मसाले मिला लिए हैं। और चलिए अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब हम लेंगे ब्रेड के कुछ स्लाइसेस। यहाँ पर मैंने नॉर्मल साइज ब्रेड से एक साइज छोटा ब्रेड के स्लाइसेस लिए हुए हैं, ये देखिए। और अब हम इनके कॉर्नर्स निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ब्रेड के कॉर्नर्स निकाल दिए हैं। चलिए देखते हैं अब क्या करना है। यहाँ पर हमने अपनी ब्रेड को के स्लाइसेस निकाल के उसे तैयार कर लिया है, और उसकी स्टफिंग के लिए उसका मसाला भी तैयार है। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या करना है। अब एक प्लेट में हम थोड़ा पानी लेंगे और अपनी एक ब्रेड की स्लाइस को एक साइड से उसमें डिप कर देंगे, और जिस साइड से लिया है उसमें डिप किया है उसी साइड से हम इसे अच्छे से दबा देंगे। और अब हम अपने आलूओं को, आलू के पेस्ट को लेंगे और एक छोटी सी इसकी बॉल बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब हम इस ब्रेड में इसे बीच में रख के इसे सब तरफ से अच्छे से बंद कर देंगे, ये देखिए, और हाथ से दबा के इसे अच्छे से गोल आकार दे लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हमें सभी बना लेने हैं। तो चलिए आगे बना लेते हैं। अगर आप कभी कभी जब ब्रेड के ऐसे रोल बनाते हैं पानी में ब्रेड को डिप करके, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि वो ब्रेड में सही से बनते नहीं हैं रोल, और जो उसका पेस्ट है वो बाहर आने लगता है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि पहले हम ब्रेड ले लेंगे, फिर से हम एक आलू की छोटी सी गोली बना लेंगे, उसको यहाँ बीच में रख के इसे इस तरह से बंद कर देंगे और इसे अच्छे से दबा के इसको गोल आकार दे देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ये हमारा ठीक से बंद नहीं हुआ है, यहाँ पे आलू हमारा दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप ले सकते हैं थोड़े से ब्रेड क्रम्स, जो घर पर बड़ी आसानी से बन जाते हैं। आप अपने ब्रेड रोल को इस तरह से बनाइए, और एक बार जिस तरफ से ये इसमें रह गया है बंद होने से, जिसमें स्टफिंग बाहर दिखाई दे रही है, उसे ब्रेड क्रम्स में एक बार डिप कर लीजिए इस तरह से। और ये देखिए, ये एकदम सब तरफ से वापस से एक सा हो जाएगा। तो इसी तरह से चलिए और बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सब ब्रेड रोल भर के तैयार हैं। तो चलिए देखते हैं अब आगे हमें क्या करना है। अब हम लेंगे एक अपन स्टैंड और उसे कर लेंगे गरम, और उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल
जैसे कि हमने आपको बताया कि ये ब्रेड रोल हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, तो हम इन्हें बनाएंगे अप्पम स्टैंड में, और उसे गरम करके हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ऑयल गरम हो जाए उसके बाद इसमें हम डालेंगे अपने ब्रेड रोल्स जो हमने बनाए हैं, वो रोल्स हम इसमें रख देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, और हम अपनी गैस को मीडियम ही रखेंगे। मीडियम आंच पे हम इसे एक तरफ से पका लेंगे, उसके बाद हम दूसरी तरफ से भी इसे पकाएंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और अब हम इसे धीरे से पलट देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कितने अच्छे से गए हैं ये। और अब हम इसे थोड़ा इस तरह से करके साइड से भी सेक देंगे। ये देखिए हल्का सा इन्हें घुमा के दोनों साइड से भी सेक लेंगे। ये देखिए इस तरह से, आप चाहें तो चिमटे की मदद से भी इसे घुमा सकते हैं, ये थोड़े गर्म है, ये काम थोड़ा ध्यान से करें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे ब्रेड रोल अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इन्हें धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए और कुरकुरा होने के लिए सेक लेंगे और धीरे धीरे पलटते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे ब्रेड रोल अच्छे से सिक के तैयार हो गए हैं। चलिए आइए अब इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये तैयार हैं झटपट और आसान तरीके से बिना डीप फ्राई वाले ब्रेड रोल। आप इन्हें बनाइए और इंजॉय कीजिए। ये बाहर से जितने क्रिस्पी हैं, ये अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप इन्हें बनाइए और इन्जॉय कीजिए, और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।